मुंबई इंडियन ने दिया ऐसा बयान, मच गया घमासान। जी हाँ, सवाल है क्या सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन ये मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं? क्या ये तीनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस से अलविदा लेने वाले हैं? क्या ये तीनों खिलाड़ी किसी दूसरी टीम में जाने वाले हैं? क्योंकि ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि ये तीनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं। इन तीनों खिलाड़ियों का मुंबई से मन भर चुका है, ये नाराज हैं और मुंबई इंडियंस को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये खबर आई, मुंबई इंडियंस से एक ऐसा बयान आया जिस बयान के बाद घमासान मच गया और ये कहा जाने लगा कि क्या वास्तव में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के पीछे कोई खेल हुआ था। क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई कि मुंबई इंडियंस को ये तीन खिलाड़ी छोड़ सकते हैं, तो मुंबई इंडियंस के खेमे से एक बयान आया और उस बयान में ये कहा गया कि जिस वक्त हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का फैसला लिया जा रहा था, जिस वक्त मुंबई इंडियंस ये फैसला कर रही थी, उस वक्त चार खिलाड़ियों को बैठाया गया था। अब वो चार खिलाड़ी कौन थे? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और कोई एक और खिलाड़ी था, उसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। ये मुंबई इंडियंस के खेमे से खबर सामने है सूत्रों के हवाले से कि इन चार खिलाड़ियों को बैठा कर बातचीत की गई थी, इन खिलाड़ियों को भरोसे में लिया गया था, इन खिलाड़ियों को पहले से ये बता दिया गया था कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का फैसला होने वाला है। ये पहले से साफ कर दिया गया था कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस अब 2024 में कप्तान बनाने वाली है। तो मुंबई इंडियंस के सूत्रों का कहना है कि कोई भी खिलाड़ी मुंबई को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पहले से तमाम खिलाड़ियों को अपने भरोसे में ले लिया था। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर पहले से तमाम खिलाड़ियों को बता दिया गया था, पहले से रोहित शर्मा को बता दिया गया था, बुमराह को बता दिया गया था, सूर्या को बता दिया गया था, तो सूर्या और जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की नाराजगी फिर क्यों सामने आई? सूर्या कुमार यादव ने तो हार्ट ब्रेक वाली इमोजी शेयर कर दी थी, जसप्रीत बुमराह ने बयान से खलबली मचा दी थी, रोहित शर्मा की नाराजगी अभी तक भी साफ तौर पर सामने नहीं आई है और यह पता नहीं चला है कि रोहित शर्मा के मन में क्या है, वो 2024 खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो क्या मुंबई इंडियंस झूठ बोल रही है? क्या मुंबई इंडियंस ये बात बयान देकर कि पहले से ही इन खिलाड़ियों को भरोसे में ले लिया गया था, क्या इस बयान को देकर मुंबई इंडियंस अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर इन खिलाड़ियों को भरोसे में लिया गया होता तो ये खिलाड़ी इस तरीके से नाराज नजर ना आते, ये खिलाड़ी सोशल मीडिया पर इस तरीके के बयान ना देते, ये खिलाड़ी इस तरीके से रिएक्शन ना देते और अभी तक इन खिलाड़ियों का हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद बधाई संदेश भी सामने आ जाता। क्योंकि अगर बात भरोसे में लेकर की जाती है तो खिलाड़ियों की नाराजगी नहीं होती है। अब तक जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये तमाम खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को कप्तान बनने की बधाई दे चुके होते, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी खिलाड़ी ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनने की बधाई नहीं दी है और इससे साफ पता चलता है कि ये खिलाड़ी नाराज हैं। तो नाराज है तो मुंबई इंडियंस ये बात क्यों कह रही है कि हमने इन खिलाड़ियों को भरोसे में ले लिया था? ये जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस के इस बयान के बाद बवाल मचा और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुंबई इंडियंस पर्दे के पीछे के खेल को छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या मुंबई इंडियंस वो सच नहीं बता पा रही जो सच जनता जानना चाहती है? क्या मुंबई इंडियंस वास्तव में जनता को गुमराह करके ये सच छुपाना चाहती है कि भाई साहब रोहित शर्मा की बेइज्जती कर दी गई और उन्होंने बिना बताए हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया? क्योंकि अगर रोहित शर्मा को बताकर यह फैसला लिया जाता तो रोहित शर्मा अब तक हार्दिक पांड्या को कप्तान बनने की बधाई दे चुके होते, रोहित शर्मा की पत्नी इस तरीके से सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त ना करती, तो मुंबई इंडियंस जाहिर तौर पर पर्दे के पीछे का खेल छुपाने की कोशिश कर रही है। और जो खबरें सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव मुंबई छोड़ सकते हैं, तो खबर यह भी है कि इस साल तो शायद यह फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगले साल शायद आप में से इनमें से कोई एक खिलाड़ी मुंबई इंडियंस से अलग जरूर नजर आएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में मुंबई इंडियंस पर्दे के पीछे का खेल छुपाने की कोशिश कर रही है और जनता को सच नहीं बता पा रही है? कमेंट करके बताइएगा और आपके हिसाब से मुंबई को कौन सा खिलाड़ी छोड़ सकता है ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।